भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत आपको इस बार कब करना चाहिए तथा इस व्रत को कब खोलना चाहिए, यानी इस व्रत का पारणा कब करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी सनातन धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकेंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में दो बार एकादशी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत मनुष्य मात्र को करना चाहिए और प्रत्येक माह में दो बार एकादशी आती है। दोनों ही एकादशियों का व्रत मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करे या कोई एकादशी नहीं करे, यह बिल्कुल गलत धारणा है। आप सभी भक्तजनों को हम बताना चाहेंगे कि प्रत्येक माह में दो बार एकादशी आती है और दोनों ही एकादशियों का व्रत मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक तथा भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो अजा एकादशी है, इस बार 23 अगस्त 2022 को है। मंगलवार के दिन सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। हालांकि एकादशी तिथि का आरंभ 22 अगस्त को सुबह 3:35 से हो जाएगा, जो कि 23 अगस्त को सुबह 6:06 तक एकादशी तिथि रहेगी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जिस दिन 54 घटी या इससे अधिक दशमी तिथि व्याप्त हो, वह एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध एकादशी है, पवित्र एकादशी है, जो व्रत करने योग्य एकादशी है, वो सबसे शुद्ध एकादशी 23 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन है। इसलिए यदि आप वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं और हमारे मत के अनुसार यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 23 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा दशमी के नियमों का पालन आपको 22 अगस्त 2022 सोमवार के दिन करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहने 23 अगस्त 2022 मंगलवार को इस व्रत को करेगी, वो व्रत का पारणा अगले दिन यदि बुधवार को 24 अगस्त 2022 को सुबह 6:55 से लेकर के 8:55 के बीच में उनको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा उनको कर लेना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको 3 दिनों तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उनको पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल, लहसुन, प्याज का उपयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन मांस मदिरा का या अंडे का अभक्ष भक्षण का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पराय अन्न इस दिन नहीं खाना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप पराय अन्न का भोजन कर लेते हैं तो उसके निमित्त उनको कुछ न कुछ धन राशि प्रदान कर देवे, जिससे संपूर्ण पुण्य फल आपको एकादशी का प्राप्त हो जाएगा। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में उठ करके स्नान कर लेवे, शुद्ध वस्त्र धारण करें
उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करें तथा एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। एकादशी व्रत का संकल्प आपको 23 अगस्त 2022 मंगलवार को ही धारण करना है और इसी दिन सबको एकादशी व्रत करना है। एकादशी के दिन आपको पीले वस्त्र पहनना चाहिए या फिर शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक भी आपको लगाना चाहिए। एकादशी के दिन तथा दशमी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। इस दिन अन्न का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। इस दिन केवल और केवल आपको फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। इसके अलावा फल या फलाहारी वस्तु का उपयोग आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते तुलसी जी की आज्ञा लेकर के आप तोड़ सकते हैं। तुलसी जी के यहां दीपक लगा सकते हैं। तुलसी जी का पूजन अर्चन भी आप कर सकते हैं। गौ माता का पूजन अर्चन कर सकते हैं। गौ माता को आप भोजन करवा सकते हैं। गौ माता को रोटी दाल चावल जो भी वस्तु आप बनाते हैं वो आप खिला पिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, गौ माता को कभी भी झूठी वस्तु नहीं खिलाना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा अंडे इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए, चाहे आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं भी होता है, लेकिन उस दिन आपको चावल नहीं बनाना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग दादा दादी सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको कोई भी ऐसा गलत या पाप कर्म नहीं करना चाहिए जिसका दोष आपको लगता हो, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह पाप दोष शमन के लिए ही किया जाता है। इसलिए इस दिन आपको कोई भी गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत कर सकते हैं, व्रत के नियमों का भी पालन कर सकते हैं, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य इस दिन सूतक में नहीं करना चाहिए। यदि माताएं बहनें रजस्वला धर्म जैसे पीरियड में आ जाती है तो वो भी व्रत कर सकती है, व्रत के नियमों का पालन भी कर सकती है, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन आप पुष्प तोड़ सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए पूजा के लिए पुष्प तोड़ने का कोई दोष नहीं होता है, लेकिन इस दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन आपको किसी भी प्रकार से कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग शेविंग इस दिन नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूमि पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन आप जो है किसी की भी निंदा या बुराई बिल्कुल न करें। घर के बड़े बुजुर्ग या फिर अपने पूज्य गुरुवर या देवी देवता शास्त्रों की निंदा स्तुति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुख से एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक आपको एकादशी पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को एकादशी के निमित्त यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। और द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करने का विधान है, यानी अपने घर ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन करवाना चाहिए। यदि नहीं करवा सकते हैं तो उनके निमित्त भोजन सामग्री का दान करें। अगर आप सामग्री का दान नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप नगद राशि ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मणों को प्रदान कर सकते हैं। साथ ही ब्राह्मणों को अन्नदान गौदान वस्त्रदान आदि दान देना भी बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। और जिस प्रकार आप एकादशी का व्रत करते हैं उसी प्रकार आपको पुण्य फल प्राप्त होता है तथा आप अगले दिन सुबह यानी आप जैसे 23 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे तो 24 तारीख को सुबह
655 से लेकर के 855 के बीच में शुद्ध और पवित्र अवस्था में भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद में भगवान के सामने बैठ करके संकल्प धारण करके और आपको एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा अगर आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत कई बार आ जाता है, या फिर आप कोई और व्रत करते हैं, बुधवार का व्रत करते हैं, तो आप व्रत का पारणा फल अथवा फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं। और एकादशी व्रत का पारणा आप भोजन से भी कर सकते हैं, दाल चावल रोटी से भी कर सकते हैं। द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं तो उस दिन हमको चावल अनिवार्य रूप से खाना चाहिए, क्योंकि चावल को देवअन्न माना गया है। दशमी और एकादशी के दिन हम चावल का परित्याग कर देते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन हमको चावल अवश्य ही खाना चाहिए। इसके अलावा द्वादशी तिथि के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं तो उस दिन हमको लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बार 23 अगस्त 2022 को चूंकि 6:09 तक एकादशी है, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इस दिन गोवत्स द्वादशी का महापर्व भी रहेगा, क्योंकि द्वादशी जो है मध्यान्ह कालीन में मानी जाती है, तो गोवत्स द्वादशी भी 23 अगस्त 2022 मंगलवार को ही मनाई जाएगी। यानी इस दिन गाय और बछड़े का विशेष रूप से पूजन आपको करना है। अजा एकादशी और गोवत्स द्वादशी दोनों ही पर्व एक साथ मनेंगे, एक ही दिन मनेंगे। ये दोनों ही पर्व 23 अगस्त 2022 मंगलवार को ही आपको मनाना है, यानी एकादशी का व्रत भी उसी दिन करना है और गोवत्स द्वादशी जिसे बच बारस भी कहा जाता है, इस दिन गाय और बछड़े का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है, उनको भोजन करवाया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है। तो बड़ा अद्भुत संयोग है, क्योंकि भगवान गोपाल कृष्ण का परम प्रिय व्रत अजा एकादशी है और भगवान गोपाल कृष्ण का परम प्रिय दिन गोवत्स द्वादशी है। दोनों ही पर्व एक ही दिन है, इसलिए आप इस दिन गोवत्स द्वादशी का पर्व भी मनाएं, गाय बछड़े का पूजन करें तथा भगवान गोपाल कृष्ण से अपने घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप अजा एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, क्योंकि इसे अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है, तो आप इस दिन अन्नदान अवश्य करें, गौ दान कर सकते हैं, कथा श्रवण के निमित्त दक्षिणा दान दे सकते हैं। इसके अलावा अजा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए हमें नगद राशि आप पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से प्रदान करके अजा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।